चश्मा लगाए खड़े हो, आ जाओ, इनको भेजना, ये चश्मा वाले भाई साहब, हाँ ये चश्मा पहने और उस तरफ, हाँ 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 तुम्हारी आओ बॉस बने खड़े, आओ तुम्हारी छटरी। ए तुम नहीं, तुम रुक जाओ, इतने ओवर कॉन्फिडेंस में बाहर चश्मा लगा। बोलो सीताराम, दोनों हाथ उठाकर बोलो सीताराम। साधु जी जय श्री राम। आगे बढ़ो, हाँ बोलो श्री सीताराम। आपको नहीं बुलाया, आप बैठो, आपका बार बार फटर फटर हो रहे। देवेंद्र, अगली आज्ञा देवेंद्र नाम के बालक की अर्जी स्वीकार हुई है, और यह देवेंद्र नाम का बालक पीछे बैठा है, सफेद रंग की शर्ट, ऊपर से जो है कोटी काले रंग की धारीदार पहने हुए हैं, और पीछे की तरफ में बैठा है, इसकी अर्जी स्वीकार हो चुकी है। हाँ जी, तुम देवेंद्र ही हो, आ जाओ, चश्मा लगा लो तुम, चश्मा इधर, हाँ बस 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 बस, पांव पड़ ले, हमारे ना पर भगवान के पर, हम तो नालायक आदमी, हमें क्या प्रणाम करना, और नदी का चश्मा लिया, और नदी का ऐसे बैठो, मां मोकर ऐसे बैठो, बगल में और बगल में, मां देखो, वाह, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कहां से, नागपुर, नागपुर, हाँ हमें भरोसा होता हो, नरसाड़ा, नहीं हमें विश्वास था, जब हमने आपको चश्मा लगाया देखा, हम समझ गए थे नागपुर के हैं, हम समझ गए, हम तो दूर ही से समझ गए, हमें खुशबू आ गई थी, बहुत अच्छा, पहली बार आए दरबार में, जी हाँ, क्या पढ़ाई की आपने, आठवीं क्लास, हैं, आठवीं क्लास, चलो हम भी यही लेवल तक हैं, तो आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे कि क्या मन में बात है या क्या बोलने वाली है? मैं तो आपको टीवी के ऊपर भी देखता हूँ बाबा जी, तब से ही आपको विश्वास करता हूँ। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो नागपुर में कहाँ रहते हैं? नरसाड़ा। अच्छा, साधु जी, ओ साधु जी, बोलो क्या प्रश्न है? बस आपकी कृपा चाहिए बाबू जी, और कोई बात? बाकी फिर वही थोड़ा तो तबीयत उगड़ रही थी, क्या हो जाता है? कुछ नहीं, आंख पर थरथर 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 कांपता है। अच्छा पढ़ो, माइक लिए रहो। शिव जी की भक्ति बढ़ेगी, कृपा लेने आए हैं, जीवन में कोई स्थायी आप प्रश्न नहीं, काम मनोरथ पूर्ण हो जाएगा, सावधान रहें, एक मुकदमा का योग बन रहा है, उससे सावधान हो जाएं, कंपन नहीं होगा, सभी मनोरथ पूर्ण होंगे, आशीर्वाद है। सही बात है गुरु जी, एकदम सही बात, एकदम सही है, एकदम सही है। जो मुकदमा तुम समझ गए हो, ये हमने कौन सा तुम्हें बताओ जी सब, लोग चरित्र में नहीं फंसने, इसीलिए हमने तुमको बुलाया है, क्योंकि अब मैटर बिगड़ गए थे, घर वाला ना पतो लग गो, हाँ सावधान हो जाओ, बात ना हमारी टालियो बेटा, क्योंकि तुम हमारे अपने आओ, दरबार में आए, तो हमने तुम्हें सावधान कर दो, हमने नहीं करो, हमें तो जो बालाजी ने प्रेरणा दी वो हमने तुम्हें बता दिया है, और जाओ कंपन ना हुई है, लोग या चरत तो धुआं, ये दोनों भर तुम बंद कर दो, सो तुम राजा बन जे, इलू इलू नहीं करना है, जाओ आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की जय, जय श्री राम। इसमें एक मंत्र दिया, तुम्हारी कोटी कहाँ है? नहीं नहीं, इनको कहा कोटी कहाँ है? हाँ छोड़ आए। अच्छा, तुम्हें शंकर जी को अकौआ की माला पहनाई है,
सफेद आंकड़ा होता ना, क्या कहते हैं आंकड़े ही कहते हैं ना, तो सफेद आर्क अकौआ उसकी माला आप पहना दो और बीच में बागेश्वर धाम की पेशी शुरू कर दियो। एक हमने इसमें मंत्र दिया है, तीन माला करना है। जाओ उस विवाद से तुम जो है, भगवान ने चाहा अगर तुमने बुद्धि का प्रयोग किया तो उस विवाद में नहीं पड़ोगे, ना मुकदमा का योग होगा। जाओ आशीर्वाद है।